बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह आई थी बारिश फजर टाइम, और अभी तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और भाई इमरान और मैं चले हैं, बाहर निकले हैं। तो भाई ने कहा है और मैंने कहा है कि चलते हैं कब्रिस्तान, वहाँ पर हैं खजियाँ, वहाँ से डॉक चेक करके आते हैं। किधर? और भाई जा रहे हैं अपनी ग्राउंड वाली पिच चेक करने के लिए। तो यही हमारा ग्राउंड है और वहाँ हमारी पिच। बारिश की वजह से यहाँ पर पानी और गीली हुई पड़ी है सारी पिच। अगर धूप ना निकली तो इस पे नहीं खेला जाएगा। ये हमारी क्रिकेट पिच और क्रिकेट का ग्राउंड, वहाँ पर लड़के पिच बना। सूरत हाल है, सूरत हाल ये है कि अगर धूप निकली तो फिर खेला जाएगा, अगर धूप ना निकली तो फिर नहीं खेला जाएगा। अगर धूप ना निकली तो फिर आगे थोड़ी सी वो पिच रहती है वो बना लेंगे। अच्छा यस, ओके ओके। तो ये हमारे नेट वाला ग्राउंड, यहाँ पर तो पानी खड़ा है, ये नहीं खेलेंगे। यहाँ पर खड़ा है पानी बारिश वाला, और हम जाएंगे इधर को, सीधा जाएंगे कब्रिस्तान, वहाँ पर फायदा कहेंगे अस्सलाम वालेकुम यलर कबूल। कहते हैं जब भी कब्रिस्तान आए तो जोर से सलाम क्या करें, क्योंकि मुर्दे जो है ना सलाम का जवाब देते हैं। सुनो है मैंने ऐसे, हाँ देते हैं ना देते। और ये रहा जी कब्रिस्तान, रही जी कब्रें, दादी की कब्र और दादा की कब्र। तो फायदा कहते हैं और फिर निकलते हैं। अपने दादा और दादी जान की कब्र पे फायदा कह लिया है, और अभी हम जा रहे हैं आगे। तो वहाँ पर एक है कब्र हमारे गांव के पेश इमाम थे मस्जिद के साहब का, वो फौत हुए थे कुछ दिनों पहले, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, इससे पहले। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ फायदा। माशाल्लाह जी, ये देखें एक छोटा सा खजूर का दरख्त, और इसके ऊपर फल चेक करें, घूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, काफ़ी फल है इसके ऊपर, और नीचे भी गिरे पड़े हैं, यह चेक करें, लेकिन हैं सारे कच्चे, अभी पक्के नहीं हैं जी। 1, 2, 3, 4 मतलब 6-7 हैं खजियाँ, यहाँ पहुँच चुके हैं, लास्ट स्टेज है हमारा। तो ये चेक करते हैं, और हैं कच्चे अभी सारे डोके हैं। ओ माशाल्लाह, अभी आपको दिखाता हूँ करेंगे कैसा फल लगा हुआ है। देखें माशाल्लाह, चारों तरफ से ना फल ही फल है, इसमें भरे हुए हैं ना इनके ये गुच्छे, लेकिन कच्चे हैं अभी। और ये भी छोटी सी है, और इसके ऊपर भी काफ़ी हैं, अभी उनको देखते हैं। और अभी टाइम नहीं हुआ इनके पकने का, क्योंकि बारिशें अब शुरू हुई हैं ना, तो 3-4 बारिशें और होंगी तो फिर ये जल्दी पक जाएंगी। तो इनके ऊपर भी, सारों के ऊपर फल लगा हुआ है माशाल्लाह, लेकिन सब कच्चे हैं। और ये देखें जी, ऐसा खुराक होती भी नहीं कीड़ियों मकोड़ों की है, ये खा पी रहे हैं इसको। ये सबसे पहले पकती है, लेकिन बारिश की वजह से खराब हुई। ये चेक करें जी माशाल्लाह, पक्की पिंड मुझे मिली है, और यहाँ पर काफ़ी पड़ी हैं, दो ये भी पड़ी हैं, ये भी उठा लेते हैं और इनको खाते हैं, मज़े करते हैं। यहाँ पर तो काफ़ी पड़ी हैं, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, और बहुत ज़्यादा पड़ी हैं यहाँ पर, ये भी मिल गई, यहाँ पर भी मिली, यहाँ पर भी मिल गई, ये भी मिल गई। और ये चेक करें जी, इसको किसी परिंदे ने खाया है। भाई के पास चलते हैं, देखते हैं उन्होंने कितनी सी जमा की है, दिखाओ। वाओ, ये देख, आपने तो काफ़ी ढेर सारी जमा कर लिया, बहुत मज़े किए हैं। ये देखो, इतनी चमक रही है, धमक रही है, बमक रही है।
चमक रही है, बमक रही है, ये देखो चमकसू बमकसू और धमकसू, खासू और बमकसू, खासू और मजे करे सू। तो अभी इस साइड पे आ गए हैं, दूसरी साइड पे इधर कुछ नहीं है, वही एक है जो सबसे पहले जो है ना पक जाते हैं। तो ये देखें जी क्या बात है, अभी जमा करते हैं सब और फिर खाते हैं। ये बहुत गंदी हुई पड़ी है। अगर आप भी किसी गांव से हमें देख रहे हैं और आपको भी ये डोके और खड़ियाँ पसंद है तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो अभी भाई और मैंने ये देखें काफ़ी जमा कर लिए हैं, चेक करें, सुभान अल्लाह, इन्हें भी काफ़ी जमा कर लिए हैं, ये चेक करें और ये चेक करें, ये हमारे दोनों की मेहनत है और इसका फल हमें मिला है जो इतना हम चल कर आए हैं। और माशाल्लाह ये चेक करें, देखा ना भाई, ये देखें काफ़ी बड़ी सी खजूर है, इसकी काफ़ी बड़ी होती है, वो देखो ऊपर माशाल्लाह। अभी यहाँ से तो पता तो चलना नहीं है, लेकिन आपको दिखाता जनाब हाफिज मोहम्मद हबीब साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारा मेरे भाई जान, और ये हाफिज़ हबीब साहब तो ये भी आ चुके हैं काल के, इन्होंने तो इनको बताया है, तब ये भी भागे भागे आ गए हैं कि हम भी डोके खाते हैं, तो इनको हमने देना कुछ भी नहीं है, खुद ही उठाएँगे ढूँढेंगे और फिर खाएँगे के या देना। ये लेके भाग भाग रहे हैं कि हमसे ये लेते हैं, तो इनको कुछ भी नहीं मिलना। अच्छा तो चेक कर, मेरे पास इतने से बचे हैं क्योंकि दोनों भाइयों ने मेरे से ले लिए हैं, भाई हबीब ने भी और भाई नुमान ने भी। ये राजी भाई इमरान जो के अपनी मेहनत को साफ सुथरा कर कर आप खाएंगे, ये नल पे आए खड़े हैं दो दो कर अब इन्हें खाएंगे, कैसी धमक बमक रही हैं अब माशाल्लाह, चमक रहे हैं। तो मुझे भी धोने दो, कितनी कीतियाँ हैं, मैं चुनी हैं थोड़ी सारियाँ हैं, तो भाई अभी भी थोड़ी रह ली, तो भाई नुमान थोड़ी रह, चल ये रही ये मेरे पास, वो रही है भाई इमरान के पास। थैंक यू वेरी मच फॉर द गिविंग खजूरें, उनको नहीं देने, खराब है खराब को निकाल दो, मजे किए हैं, मीठी मीठी हैं, बड़े मजे, क्या है चुप कर जा। हमें चिट्ठी मिली है जी हमारे हमसाये लोगों की है और ये उनको देनी है, तो यहाँ पर डाकखाना है हमारा, वहाँ से लिया है, दिल्ली में पहुँच चुके हैं और ये देखिए सारा रास्ता ख़राब हुआ पड़ा है एट होम। और अभी एक चीज़ आपको लाजमन दिखानी है, ये चेक करें जी माशाल्लाह, एक ये है और एक ये वाला छोटा सा दरख्त है इतना सा, और इसके ऊपर अमरूद लगे हुए हैं बहुत अच्छे। तो अभी इस प्यारे से घर के बगीचे के सामने आज की वीडियो का करते हैं अख्तिताम, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।